अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। और आप तमाम चाहने वालों का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा साथ देते हो, रेसिपीज़ को अप्रिशिएट करते हो, ट्राई करते हो, फीडबैक देते हो, कॉल करते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आज हम अपने शो पे बहुत बेसिक रोज़मर्रा का खाना बना रहे हैं, ठीक है, जो कि हर एक को ज़रूरत होती है। बहुत सारे बच्चियाँ, बहुत सारे लोग कुकिंग क्लासेस सीखती हैं, शोज़ देखती हैं, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें सीख जाती हैं कि बड़ी सी बड़ी अच्छी से अच्छी दावत करती हैं, लेकिन जब बारी आती है घर के खानों की तो फिर वो उनको नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये खाने ऐसे होते हैं कि आपको रोज़ ज़रूरत पड़ती है। आलू गोश्त वन ऑफ माई फेवरेट्स, आई लव आलू गोश्त। आप मुझे रोज़ खिला दें, मैं रोज़ खा लूँगी, मुझे इतना पसंद है आलू गोश्त। भिंडी गोश्त, लौकी गोश्त, ये सब मेरा फेवरेट है, गोभी गोश्त। तो ये आज मैंने कभी भी 14 साल में आप लोगों को गोभी गोश्त नहीं सिखाया था, नेवर। तो आज हम आपको सिखाएंगे गोभी गोश्त, बिकॉज़ ये सीज़न है सर्दियों का और इसमें गोभी बहुत अच्छी मिलती है। और इसके साथ हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, वो भी डिफरेंट है। मैं पहले करा चुकी हूँ आपको, लेकिन वो डिफरेंट रेसिपी थी, ये डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। आज का जो पूरा मेन्यू है, ये एक पूरा एक मेन्यू है जो आपके घर में एक ही वक्त में आप बना लीजिए। गोश्त जिसको नहीं पसंद है वो फ्राई चिकन और टमाटर की चटनी के साथ खा ले, और गोभी गोश्त के साथ आप चावल या रोटी जो भी रखना है आप रख लीजिए। तो ये पूरा कंप्लीट मेन्यू है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। पहले रेसिपी जो हम करेंगे वो हम करेंगे गोभी गोश्त, बिकॉज़ गोश्त कच्चा है, मटन है, और उसको मुझे पहले प्रेशर कुकर में करूँगी। ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ आप लोग मत करिएगा प्रेशर कुकर में। मुझे ऐसा फील होता है कि जो खाना आम पतीली में हल्के पे दम पे पकता है ना, उसकी बात ही और होती है, उसका मज़ा ही और होता है, ठीक है। लेकिन हमारी मजबूरी होती है, हमें वेल डन करके खाना चाहिए होता है, तो इस वजह से फिर मैं प्रेशर कुकर यूज़ करती हूँ, वरना मैं घर में कभी भी यूज़ नहीं करती। ओके, तो हम आ जाते हैं पहले गोभी गोश्त पे। आज हमारे साथ फ्रेश स्ट्रीट है। फ्रेश स्ट्रीट से अब तो आप लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो गए होंगे। ये हाउस ऑफ समरा का, हाउस ऑफ समरा इज़ अ ब्रांड इट्सेल्फ। इस हाउस ऑफ समरा के नीचे ढेर सारे ब्रांड्स आते हैं, जिसमें से एक फ्रेश स्ट्रीट है, डैंडी और हिल्स एंड बेल्स की आइसक्रीम है, रिकोसा का पास्ता है इनके पास, टुर्का और मिशन के इनके पास रेडीमेड वो हैं टॉर्टियास, ठीक है, वो है इनके पास, प्लस इनके पास वॉकर्स की ड्रिंक्स हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अंडर हाउस ऑफ समरा। और फ्रेश स्ट्रीट की सॉसेस का तो खैर जवाब ही नहीं है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ यहाँ देखें मेरे पास गोश्त रखा हुआ है, मटन, ठीक है, और हमने मटन मेरे पास आज ज़्यादा है, 750 ग्राम्स है, और प्याज रखी हुई है चॉप्ड 1 कप, और मैं ऑयल ले रही हूँ 1/4 कप, ठीक है, 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। और 1/4 कप ऑयल में हम शामिल करेंगे सब में पहले प्याज 1 कप चॉप्ड, जैसे ही तेल गरम होगा मैं 1 कप प्याज डालूंगी चॉप। प्याज को मुझे हल्का सा, बहुत हल्का सा गोल्डन करना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। और फिर उसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे ड्राई मसाले, जिसमें नमक जाएगा, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, हल्दी जाएगी, और जो गरम मसाला लिखा हुआ है 1 टीस्पून, उसको आप स्ट्रेट अवे काट के हाफ कर दीजिए, वरना क्या होगा, इतना खूबसूरत गोभी गोश्त का कलर काले पे उतर, कालापन पे आ जाएगा। 1/2 टीस्पून डालेंगे, और वो हम डालेंगे जब हमारा गोभी गोश्त बिल्कुल रेडी हो जाएगा, उस वक्त मैं डालूंगी, ठीक है, अभी शुरू से नहीं डालूंगी। और
देखें गोभी कितनी फ्रेश, कितनी अच्छी आई है। अच्छा, प्याज हमेशा गोभी गोश्त में चॉप डालती है, स्लाइस नहीं डालिएगा वरना वो फिर मुंह में आती है, नज़र आती है। और गोभी गोश्त हमेशा, गोभी गोश्त और आलू गोश्त में तो मैं प्याज पीस के डालती हूँ, कच्ची प्याज, ठीक है। आप इसमें भी पीसी हुई डाल सकते हो, बट आई हैड चॉप एक प्याज, ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं है। एक किलो गोश्त भी अगर आप बना रहे हैं गोभी गोश्त के लिए, तो प्याज एक बड़ी ही लीजिएगा, बस बहुत है। थोड़ा सा ये गोल्डन की तरफ होगी, फिर मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा एक टेबलस्पून भर के जाएगा। ठीक है, खूबसूरत सा कलर आ रहा है। ये देखिए, ठीक है, इतना खूबसूरत सा कलर आ गया। इसमें एक टेबलस्पून भर के आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और जल्दी से पानी डाल दें ताकि ये हमारी प्याज ब्राउन और ना हो। बस बस, ठीक है, टमाटर डाल देती हूँ ताकि भूनना शुरू हो जाए, फिर मसाले डालती हूँ। स्लाइस टमाटर आप इसमें डाल दीजिए दो। अब हम मसाले डालते हैं। अच्छा जी, नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून और गरम मसाला बाद में जाएगा, हल्दी 1/2 टीस्पून। वन टेबलस्पून या 2 टीस्पून चिली पाउडर भर के। अच्छा बेटा, 2 टेबलस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून या 3/4 टेबलस्पून। थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ और इसमें मैं गोश्त डाल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का, तो हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोभी गोश्त का जो गोश्त है अच्छी तरह भून चुका है। मैं आपको बिल्कुल दिखाती हूँ, मैंने 1/2 कप जितना पानी भी डाला था मसालों के साथ, और उस वक्त से मैं इसको भून रही हूँ। टमाटर जब गल जाएँ तो आप इसमें 1/2 कप दही भी डालेंगे, ठीक है। यहाँ मेरे पास दही फिटी हुई रखी हुई है और इसमें मैं 1/2 कप दही शामिल करने जा रही हूँ। ये देखें, टमाटर अच्छी तरह गल गए, ठीक है। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। दही डाल के बस हमारे जो रोज़मर्रा के खाने होते हैं ना, उसमें मैं ख़ास चीज़, एक चीज़ बच्चियों को बता रही हूँ जिनकी शादी अभी हुई है, शादी होने वाली है, तो इन खानों को आपको भूनना अच्छा है। कॉन्टिनेंटल खाने ऐसे होते हैं कि आपने फटाफट बनाए और रख दिए, लेकिन इसमें अगर आपने भुनाई नहीं की ना, तो वो अदरक लहसुन की स्मेल रह जाती है, गोश्त का एक कच्चापन रहता है,
तेल ऊपर नहीं आता है, आपकी आपके इस सालन की खूबसूरती नहीं आएगी आखिर में, तो खाने का दिल भी नहीं चाहेगा आपका, आप यकीन जाने। इसमें बस ये है कि आपको भुनाई अच्छी करनी है। देखिए मैं उस वक्त से टमाटर को भूनती रही हूँ और अब मैंने इसमें आधा कप दही डाली है और दही डाल के भी मैं कम से कम 5-7 मिनट इसको भूनूंगी। फिर मैं इसमें पानी डाल के और इसको छोड़ देंगे हम गलने के लिए। जब गोश्त तकरीबन गल चुका होगा तो हम इसमें फिर ऐसे फूल गोभी के काट के आप डाल दीजिएगा दम पे। और जब गोभी भी हमारी गलने लगेगी, गल तकरीब एकदम मशी मशी नहीं होनी चाहिए, साबित पीसेस रहने चाहिए। जब गलने लगेगी गोभी तो फिर हम इसमें आखिर में गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के दम पे 5 मिनट छोड़ दीजिए। अच्छा, दो किस्म के आलू गोश लौकी गोभी गोश बनते हैं। एक बिल्कुल भुना हुआ होता है, ठीक है, उसमें आप गोभी डाल के भुने 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 जब तक कि गोभी मिक्स हो जाए, छोटी छोटी रह जाए, वो भी एक बनता है भुना हुआ और एक बनता है ग्रेवी वाला, ठीक है, आपकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत करम एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जानी आपकी शोज बहुत मैं देखती हूँ और आप बहुत ही अच्छे अच्छे हमको खाने सिखाती हैं, मसाले सिखाती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, भी तो मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। थैंक यू कि आप देखती हैं, मेरे साथ रहती हैं, पसंद करती हैं, आपका बेहद शुक्रिया। आपका ये इतना पुरसकून चैनल है, मेरे पूरे दिन ये चैनल चलता है और एक पॉजिटिविटी भी यहाँ से देखते हैं और हम खाना भी यहाँ से सीखते हैं। बिल्कुल मसाले, आपने जो मसाले सिखाए थे रमजान में, जी वो मसाले मैं अभी तक बनाती हूँ, मुझे बाहर के मसाले अब मुझे अच्छे नहीं लगते। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस साल मैं आपको और नए सिखाऊंगी इंशाल्लाह, जी बकरा ईद से पहले इंशाल्लाह। और मेरी पूरे फैमिली में मेरे खाने बहुत सबको पसंद आते हैं आपा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब आप लोगों की वजह से आपा, और आपने जितने भी मसाले सिखाए थे वो मैंने लिखे थे अपनी डायरी में और वो मैं अभी तक बनाती हूँ, मुझे बाहर के मसाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका, इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू जी। अच्छा देखें, इसको मैं अच्छी तरह भून रही हूँ जब तक कि पानी ख़त्म हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। मुझे फील अभी तो इसमें पानी है, ये देखें शोरबा है, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मुझे इसको इतनी देर, भले 10 मिनट लग जाए, मैं इसको भूनूंगी इतनी देर कि तेल ऊपर आ जाएगा और ये मिक्सचर मुझे फील होगा कि भून गया है। जब भून जाएगा तो मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी, चूंकि प्रेशर कुकर है इसलिए 2 कप पानी डालूंगी। अगर आप आम पतीली में बनाएंगे तो 3 से 3.5 कप पानी डालेंगे, ठीक है, और उसको हल्के पे कवर करके छोड़ दीजिए। जब गोश्त गलने पे आ जाएगा, आम पतीली में 45 मिनट्स लगता है मटन को गलने और प्रेशर कुकर में 25 मिनट में हो जाता है। तो जब गोश्त गलने पर आ जाएगा, थोड़ी सी कसर हल्की सी रह जाएगी तो मैं गोभी डाल दूँगी। गोभी आपको पता है भाप में गलती है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम आपा जानी। जी बेटा बोलिए, क्या कहेंगी आपा? आपका एक तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह से आप बहुत अच्छी कुकिंग सिखा रही हैं, सबको बहुत अच्छा वो हो रहा है, सब खुश हो रहे हैं इससे, ताकि और भी चीजें होने को आ रही हैं। आपा मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बोलिए आपा, ये 1/2 kg चिकन में और 1 किलो चिकन में सेला चावल की क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए? 1/2 किलो में आप लेंगे, देखें लेने को तो आप 1/2 किलो ले सकती हैं, लेकिन अगर जिनको बहुत ज़्यादा चिकन और गोश्त पसंद है तो थोड़ा सा कम कर दें आप अपनी मेजरमेंट जो आप कंडेंस मिल्क वाले डब्बे से करती हैं वो ज़रा मैं कॉल बंद करूँ तो आप मुझे बता देंगी? ठीक है, मैं बता जाइए, ठीक है। देखें, अगर आप 1/2 किलो चिकन ले रही हैं बिरयानी के लिए या पुलाव के लिए, तो वो उसमें आप 2 डब्बे कंडेंस मिल्क के डालिएगा, ठीक है, या 2 डब्बे से 1/3 डालिएगा, 2 डब्बे से इतना सा कम ले लीजिएगा। बहुत लोगों को गोश्त और आलू अच्छा लगता है तो वो चावल कम डालेंगे, ठीक है। 1 किलो चिकन में मैं कभी भी 1 किलो चावल नहीं डालती हूँ, वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 1 किलो में मैं 3.5 डब्बे डालती हूँ, यानी 1/2 पाव कम 1 किलो से, समझ आ गया।
एक किलो में एक किलो चावल बहुत ज़्यादा चावल लगता है, मसाला और मुर्गी आलू कम हो जाता है, तो आप 3.5 डब्बे डालिएगा। आई होप आपको समझ आ गया। देखिए मैं अभी तक भून रही हूँ, बस मैंने आज इसीलिए मैंने कहा मैं सही तरीके से आप लोगों को अपना सिखा दूँगी गोभी। अच्छा सेम तरीका है, लौकी गोश्त बनाना है आपको, सेम तरीका है, सेम रेसिपी है लौकी गोश्त की। तुरई गोश्त बनाना है, तुरई गोश्त शोरबे वाला नहीं बनता है, तुरई गोश्त भुना हुआ बनता है और इतना मज़े का होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। करेला गोश्त भुना हुआ होता है, करेले के पीसेस काट के एंड पे डालें, भुने खूब सारा हरा धनिया और हरी मिर्चें डालें। इसी तरह भिंडी गोश्त शोरबे वाला होता है, वो इस तरह बनेगा। आखिर में जब आपका गोश्त गल जाएगा तो भिंडी लेंगे आप, आधा किलो गोश्त पे एक पाव भिंडी लेके उसको पहले हल्की सी फ्राई कर दीजिएगा और फिर वो दम पे डाल दीजिएगा। भिंडी कच्ची डालते हैं बहुत सारे लोग, मैं नहीं डालती, मुझे लगता है वो हमारे सालन को लेस कर देता है, चिकना कर देता है। तो मैं भिंडी हल्की सी 3-4 मिनट फ्राई करके फिर दम पे डालती हूँ। रेसिपी यही है, किसी में मैं प्याज पीस के डालती हूँ, किसी में मैं इस तरह चॉप डालती हूँ। बस अब ये भुनाई पे आ गया है, बिल्कुल तेल ऊपर आ रहा है, बेहतरीन हो गया। मैं कैसा दिखाऊँ आपको, ये देखें नज़र आ रहा है तेल कैसा आ गया ऊपर, देखा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें मैं 2 कप पानी डालूँगी, 2 कप पानी डाल के और मैं इसको छोड़ रही हूँ गोश्त को गलने के लिए। फिर जब गोश्त, ठीक है बेटा, फिर जब ये गोश्त गलने पे आएगा तो हम गोभी डाल देंगे 1 कप। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शो बहुत अच्छा आता है, बहुत पसंद है मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी दुआ जो आती है वो भी मुझे बहुत पसंद है। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि शोरबे वाली मछली बनती है ना, उसकी मुझे रेसिपी बता दे। किसकी, कौन सी मछली? शोरबे वाली बनती है ना, शोरबे वाली जी। अच्छा ठीक है, मैं सिखा दूंगी। मैं देखती हूँ अगले हफ्ते से, अगले हफ्ते एक चीज कम करके डालती हूँ, मौसम है ना अभी तो मछली का। ठीक है, पहली दफा फोन किया आपको, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जरूर आपकी फरमाइश पूरी करती हूँ शोरबे वाली मछली की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये हमने चढ़ा दिया है, इसको कम अज़ कम अभी बज रहा है 11:25, मैं 11:45 तक इसको पकाऊँगी। 11:45 मैं इसको खोलूँगी और इसमें मैं डालूँगी हमारी फूल गोभी। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हमने गोभी गोश्त चढ़ा दिया है, 2 कप पानी डाल के उसको बंद कर दिया है। ठीक है, 11:45 तकरीबन मैं इसको 25 मिनट तो पकाऊंगी प्रेशर कुकर में। 25 मिनट के बाद मैं इसको खोलती हूँ और खोलने के बाद हम चेक करेंगे, अगर गोश्त तकरीबन हो चुका है तो मैं इसमें फूल गोभी डाल दूँगी। और अगर आपको जल्दी है खाना सर्व करने की तो फूल गोभी को भी डाल के आप सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रेशर लगा दो। ओह वाह, क्या गलती है, माशाल्लाह फटाफट हो जाएगी और आपका सालन गोभी गोश्त तैयार होगा। और आप हरा धनिया, हरी मिर्चें, गरम मसाला पाउडर डाल दें और बस गरम गरम रोटी के साथ आप इसको खाएं, रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। ओके, हम आ रहे हैं टमाटर की चटनी। अच्छा एक बात आपको हम बता दें, टमाटर की चटनी ये ऐसी चटनी है कि आप इसको महीना भी फ्रिज में रखें खाएँ तो ये ख़राब नहीं होगी। ठीक है, और सर्दियों का मौसम इसके लिए बेस्ट होता है। आप बनाएं, ताज़ी बनाएं, एक हफ़्ता इस्तेमाल करें, फिर नहीं फिर दूसरी बना लीजिए, इतनी बनाएं कि एक हफ़्ते में ख़त्म हो जाए। लेकिन एक हफ़्ते के लिए तो बनाएं ताकि रोज़ आप खाने के साथ टेबल पे इसको आप रख सकते हैं, बहुत मज़े की होती है। ठीक है, अच्छा अगर आपको इसको सेव करना है
हफ्ता 15 दिन अगर आपको उसको रख के खाना है तो तेल इसमें आप एक कप डालेंगे, ख़राब नहीं होगी। फिर ये चटनी के ऊपर तेल आना चाहिए तो ये ख़राब नहीं होती है। अगर तेल आपने कम डाला तो फिर वो फंगस लग जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी तो मुझे फ़ौरन इस्तेमाल करनी है, थोड़ी सी बनानी है तो आधा कप ले रही हूँ मैं, वरना तो मैं जब टमाटर सस्ते होते हैं तो मैं तो 2-2.5 किलो की बना के फ्रिज में रख देती हूँ, बेहतरीन चलती है। अच्छा जी, हमने ले लिया तेल आधा कप। आधा कप तेल में हम पहले बघार डालेंगे, किन चीज़ों का, कड़ी पत्ता, कलौंजी, साबुत ज़ीरा, राई दाना, ठीक है। इन सारी चीज़ों का हम बघार डालेंगे और बघार डालने के बाद हम इसमें चॉप्ड लहसुन और चॉप्ड गार्लिक डालेंगे, इसमें प्याज व्याज कुछ नहीं जा रही, ठीक है। नमक और इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा, ये देखें मेरे पास यहाँ कलौंजी रखी हुई है, अनियन सीड्स 1 टीस्पून, अच्छा इसी में मैं डालूँगी राई दाना 1 टीस्पून, मस्टर्ड सीड्स ये चला गया, इसी में मैं डालूँगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और इसी में मैं डालूँगी कड़ी पत्ता, डाल दें 15-20 पत्ते, ठीक है ये जाएगा, और इसी में मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक, ये देख लहसुन चॉप्ड, अदरक चॉप्ड, जिंजर 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून, गार्लिक 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून, थोड़ा सा हम इसको गोल्डन करेंगे ताकि ज़रा सी अदरक लहसुन की खुशबू आने लग जाए। फिर मैं इसमें डाल दूँगी क्या खुशबू आ रही है, टमाटर 1/2 किलो, 6 टमाटर लिए थे मैंने, 6 to 7, प्लीज़ अदरक लहसुन को थोड़ा सा हल्का सा कलर देना है, अच्छा वाइट वाइट नहीं छोड़ना है, वरना वो जब आप चटनी खाएंगे वो मुंह में कच्चापन आएगा, जलाना नहीं है लेकिन खूबसूरत सा गोल्डन आ जाए। और इसमें जो लाल मिर्चें जाएंगी वो कुटी भी जाएंगी, फ्रेश ट्रीट का सिरका जाएगा, आखिर में मैं इसमें फ्रेश ट्रीट की डालूंगी हॉट एंड स्पाइसी केचप, उससे जो चटनी का टेक्सचर आएगा, ये देखें देख रही हैं आप, ये देखें कैसा खूबसूरत गोल्डन आया है, ठीक है। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ 1/2 किलो, अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम, शीना पा मैं जगेड़िया बात कर रही हूँ। जी बोलिए। मुझे ये कहना कि जो ऑरेंज आए हुए ना, ऑरेंज तो आप उसका कोई सुबह नाश्ते के लिए जैम जेली मतलब क्रश वाली आप घर पे सिखाए ना, ताकि बच्चों के लिए हम स्लाइस में लगा के क्या करूं? और रोटी के साथ है जैम जेली ऑरेंज की सुबह नाश्ते में, हाँ स्लाइस वगैरह में लगती है, अगर आपको घर की क्रश बताए ना तो ज्यादा अच्छा है, अच्छा बच्चों के लिए हेल्दी होगी, आप जरूर बताइएगा। अच्छा ठीक, और यहाँ पर आज का सवाल है? नहीं आज कोई सवाल नहीं। अच्छा जी, ये हमने डाल दिया टमाटर, अब टमाटर के साथ हमने इसमें नमक डाल दिया 1 टीस्पून। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 कप
यानी कि 4 टेबलस्पून फ्रेश स्ट्रीट का सिरका। चार टेबलस्पून या क्वार्टर का फ्रेश स्ट्रीट का वाइट विनेगर जाएगा। 4 टेबलस्पून शुगर। 2 लाल मिर्चें जाएंगी इसमें। 1 टीस्पून सॉल्ट मैं डाल चुकी हूँ। 1/2 टेबलस्पून या 1 टीस्पून। ठीक है, बस अब आप इसको कवर करके छोड़ दीजिए। जब चटनी बिल्कुल, टमाटर बिल्कुल गल के मशी मशी हो जाएंगे तो हम इसमें आखिर में थोड़ी सी 1-2 डालेंगे हरी मिर्च, और उसके बाद में आप इसमें डालेंगे ये वाली हॉट एंड स्पाइसी टोमेटो केचप, एटलीस्ट 4 टेबलस्पून। ठीक है, बस इसको मैं कवर करके छोड़ रही हूँ। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है। ब्रेक से आने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, मैंने तो कल आपकी कॉल नहीं आई, मैंने कहा कि ये तो आपको नजर लग गई सबकी परसों। मैंने कल शो नहीं देखा था और मैंने इवनिंग में शो देखा था, तो ऐसी कोई बात नहीं कि मेरी कॉल ना आए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैंने शो मंडे का देखा था और उसमें जो कॉलर्स ने कहा था वो भी मैंने सब्जेक्ट सबका ही सुना था, लेकिन मैं आज खुद आपको बता रहा हूँ कि मेरी कॉल इस समय मिलती है, आज 15 साल हो गए मुझे कॉल मिलाते हुए। तो सबसे बड़ी बात यह कि आप दुरूद पाक पढ़ता हूँ मैं और कॉल मिल जाती है तमाम व्यूअर्स को, मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात यह कि जब एक बेटे ने माँ से बात करनी होती है ना आपा, तो अल्लाह ताला भी उसमें राह में हायल नहीं होता। सही बात है, आपको लगन है। जी बिल्कुल, मुझे अपनी माँ के साथ लगन है। आप मेरी उस्ताद भी हो, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो, आप मेरी माँ हो सबसे पहले। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा आपा, मुझे कल के शो के मुतालिक बात करनी थी आपसे। आपा जो पूला पार्ट ब्रेड बनाई थी उन्होंने मंकी ब्रेड के नाम से, तो आपा साइमा कमर है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आपसे कहें कि जो मिस साइमा आती हैं, शेफ साइमा आती हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट किया करें कि जो भी वो चीजें बनाती हैं वो किसके साथ सर्व करना है वो ये बता दिया करें। अच्छा ठीक है, जैसे कल मंकी ब्रेड थी तो आपा वो किसके साथ हम सर्व करेंगे ये मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा आप याद दिलाइएगा मुझे। ब्रेक आ चुकी है, मैं ब्रेक के बाद आके आपको इसका सवाल का जवाब दूंगी कि मंकी ब्रेड किस चीज़ के साथ सर्व किया जा सकते हैं। ठीक है, स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और दोनों जगह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 12:15 बज चुका है, मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, देखेंगे। ठीक है, अच्छा फारूक ने मुझसे सवाल पूछा था पोला पार्ट ब्रेड का या मंकी ब्रेड का। सबसे पहली बात तो कल का शो ख़त्म होने से बाद साइमा ने मुझे कहा कि आपा मैं एक बात अपने व्यूअर्स को बताना भूल गई कि ये जो ब्रेड है ये सिर्फ मीठी नहीं बनती है, ये आप सेवरी में भी बना सकते हो। तो सेवरी में किस तरह बनाएंगे? आपने याद है साइमा ने कैस्टर शुगर में सिनेमन और नटमेग डाला था, और जब वो पेड़े बनाए थे तो पेड़े बना के वो चीनी के और सिनेमन और नटमेग के मिक्सचर में उसको रोल करती गई और फिर बंड पैन में डालती गई, ये किया था ना। ओके, अगर आपको नमकीन बनाना है तो आप क्या करोगे? आप लोगे एक प्याले में गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून, अनियन पाउडर 1 टेबलस्पून, चॉप्ड पार्सले फ्रेश या ड्राइड कुछ भी वो एक प्लेट में साथ ही डालिए, और पार्मेजियन चीज़, ठीक है, 2-3 टेबलस्पून। उसको आपने मिक्स करके एक उसका मिक्सचर बना लिया और पेड़े बनाए, और उस नमकीन मिक्सचर में आपने डाल के गए, थोड़ा सा नमक भी कहा था वो डाल के, और आपने उस पर रख दे गए। ठीक है, एक तो आपका तरीका ये हो गया आपको अगर नमकीन बनानी है। और आप यकीन करें वो मैंने खाई थी, मुझे ज़रा भी उसमें मुझे फील नहीं हुआ कि बहुत मीठी है या मीठी है,
मुझे नहीं फील हुआ, बहुत मज़े की थी। अच्छा, अगर इसी ब्रेड को, मंकी ब्रेड को आप अंदर स्टफ़ भी कर सकते हो, ये मैं अपनी आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ उसके अंदर भरनी है तो आप वो भी भर सकते हो। उसके अंदर क्या चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, जो हमारी लूर पाक की जो पक क्रीम आती है ना, आप एक एक बन में 1-1 टीस्पून डालें और साथ में आप थोड़ा सा वो डाल दें, मिक्स्ड हर्ब्स या ऑरिगैनो या पार्सले, वो डाल के आप उसके अंदर भरें और बॉल्स बनाइए और उसमें डालते जाएं। जब वो बेक होने के बाद आप खाएंगे ना, आप यकीन करें जब आप खाएंगे तो उसमें से चीज़ ऊज आउट होगी और इतनी मज़े की लगेगी। अच्छा, चूँकि ये मीठी ब्रेड थी, हल्की सी बराए ना, अच्छा पहले मैं कॉलर हैं बहुत देर से उनसे बात करके फिर इसको कंटिन्यू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डियरेस्ट आपा। जी जान, फरमाइए। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं पूछ सकती हूँ आप कौन बोल रही हैं? जी मैं अफरोज बात कर रही हूँ, वही आपकी गुजराती कॉलर। अच्छा 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 जी। वही मैं अभी चटनी देख रही थी, मैंने कहा आपा की सारी चीजें मेरी वाली ही होती हैं। अच्छा, ये आपकी रेसिपी भी ऐसी ही है? बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मेरी और दो चीजें डलती है इसमें, मेथी दाना, ओके, साबुत लाल मिर्चे एंड थोड़ी सी सौंफ। कौन सी सॉस? सौंफ। सौंफ सौंफ, अच्छा अच्छा ओके, ओके, तो वो उससे चटनी जब 3-4 दिन रख लेते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ओके ओके ओके, हाँ वही है। एंड यू वर ऑसम, साइमा वाज ऑसम यस्टरडे। थैंक यू सो मच। आई लव दैट मंकी ब्रेड एंड केक। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ट्राई कीजिएगा आप जरूर। नहीं मैं वैसे पुल अपार्ट ब्रेड तो बनाती हूँ जी, लेकिन वो जो ऊपर से सॉस का एडिशन था ना, वो आई लव दैट। अच्छा, एक बात आपसे कहनी है, आप अपना नंबर यहाँ छोड़ दीजिए मेरे डायरेक्टर साहब के पास। मैं मेरा नंबर चला गया है ना उनके पास। हाँ, लेकिन फिर भी आप लिखवा दें, मैं आपसे बात करके आपको अपने शो पे बुलाना चाह रही हूँ गुजराती डिशेस के लिए। ओके ओके, अब तो खैर इतनी बनती नहीं है, अब मेरे पेरेंट्स नहीं है, अल्लाह उनको गरीबे रहमत करे, लेकिन थोड़ी चीजें आती हैं मुझे। मैं आपसे बात करूंगी फिर डिसाइड करेंगे। ओके आपका जज़ाकअल्लाह, बी ब्लेस्ड ऑलवेज, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ये देखें, फ्रेश स्वीट की हॉट एंड स्पाइसी 4 टेबलस्पून आप डाल दीजिए। और इसकी आप शक्ल देखें, अब ये देखें तेल होना चाहिए, बेशक आप टेबल पे निकालते वक्त प्याले में इतना तेल ना डालें, लेकिन तेल से ये होगा कि 100% की ये ख़राब नहीं होगी, हफ्ता 10-15 दिन आपके फ्रिज में पड़ी रहे। भूने अच्छी तरह, ताकि भूने में भी और सिरका डला हुआ है, ख़राब होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम इसको खोल रहे हैं। अच्छा, मंकी ब्रेड के लिए आपको मैंने समझा दिया, कल वाली जो मीठी वाली मंकी ब्रेड थी, आप उसको शाम में चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ सर्व करिए। आप सुबह नाश्ते में उसको बीच से काटें और यही पक्की क्रीम चीज़ लगा के उसके साथ खाएं, अल्लाह क्या मज़े की लगती है, मैं आपको क्या बताऊं। और वो जो नमकीन वाली है, उसको आप सूप्स के साथ सर्व कर सकते हैं, उसको आप कोई भी स्टेक्स के साथ सर्व कर सकते हैं, गरम गरम निकाल के, बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, चलें जी, चटनी तो हो गई है हमारी, हम गोभी गोश्त देख रहे हैं। ये चिकन तो मेरी फटाफट बनेगी, बहुत इजी है। मैं आपको जब तक ये इसका प्रेशर निकल रहा है, मैं आपको चिकन की रेसिपी मद्रासी फ्राइड चिकन समझाती हूँ। मैंने आधा किलो चिकन ली थी, आधा किलो चिकन में मैंने 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक डाला, नमक 1 टीस्पून डाला, चिली पाउडर 1 टीस्पून डाला, 1.5 कप पानी डाल के चिकन को गला दिया। फिर रिपीट कर रही हूँ, चिकन आधा किलो, तकरीबन 8-9 पीस छोटे कढ़ाई बोटी वाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट उसमें 1.5 टीस्पून डाला, 1.5 कप पानी डाला था, सॉल्ट 1 टीस्पून डाला, चिली पाउडर 1 टीस्पून डाल के उसको कवर करके छोड़ दिया, जब तक कि चिकन गल गई और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। ये तो हमारा एक स्टेप हो गया जो मैं घर से करके लाई हूँ। ठीक है, अब मुझे इसका बनाना है बैटर। बैटर में जाएगा 4 टेबलस्पून मैदा, कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लेमन जूस या वाइट विनेगर फ्रेश स्ट्रीट का 1 टेबलस्पून,
नमक हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ टी स्पून, अजवैन, कैरम सीड्स, देखें ये ऑप्शनल है, अगर आपको बच्चों को इसका फ्लेवर पसंद है तो ज़रूर डाल दीजिए, नहीं पसंद है अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद सिरका लिखा हुआ है और सोया सॉस जाएगी फ्रेश ट्रीट की 1 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें डाल के हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका बैटर बनाएंगे, बैटर में चिकन को डिप करेंगे और बैटर में फ्राई होगी, इसमें कोई ब्रेड क्रम्स नहीं है, कुछ नहीं है। और जब चिकन आप डालेंगे डीप फ्राई करने के लिए तो मेहरबानी करके सिंगल लेयर में डालना है, एक के ऊपर एक पीसेस ना आए, और जब फ्राई करने डालें तो फौरन से चम्मच ना डाल दीजिएगा, छोड़ दें उसको 10 मिनट, 7-8 मिनट छोड़ दें, जब आपको फील हो कि हाँ वो दोनों साइड से होने लगी आप निकाल दीजिए, टर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज डीप फ्राई होगी, ठीक है। चले अब मैं इसको देख रही हूँ, माशाल्लाह क्या गोश्त गल गया है, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें और टमाटर देखें कैसा गल गया है, ये देखें क्या गोश्त माशाल्लाह गला है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल पानी नहीं डालूंगी अब इसमें, और शोरबा मेरे ख़्याल से काफ़ी है, ज़रा सा डाल देती हूँ बिकॉज मैं इसको चाह रही हूँ कि मैं प्रेशर में ही गला लूँ गोभी को भी, ताकि बहुत अच्छी गल जाएगी। 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए रखूँगी। अच्छा बेटा ठीक है, 5 मिनट हैं 12 बजने में, मैं 12 बजे इसको खोल दूँगी, फिर आके मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डालूँगी और मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च और हरा धनिया, वो भी रेडी है, और ये हो गई है हमारी डन, इसको हम डिश आउट करते हैं, ठीक है। लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक, ये देखिए डन। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और हमने चटनी सर्व कर दी है अपनी, और गोभी गोश्त को भी मैंने खोल दिया है। यहाँ पे हमने डीप फ्राइंग के लिए चिकन, मद्रासी फ्राइड चिकन डीप फ्राई होगी, और हमारे फ्रेश चीज के फ्राइज जिसको हम सर्व करेंगे फ्राइड चिकन के साथ, वो फ्राई करूँगी, पहले वो करूँगी फिर चिकन करूँगी। शायद थोड़ी कसर है गोभी में, यश शक्ल से लग रही है कसर है, ओ हो गई है, ठीक है। चल हरी मिर्चें 3, काफ़ी सारा हरा धनिया तकरीबन 4 टेबल स्पून, और इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर सिर्फ 1/2 टीस्पून, वरना इतना खूबसूरत जो कलर है हमारे गोभी गोश्त का वो ख़राब हो जाएगा। बस
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत करम एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपके शो पे कॉल कर रही हूँ। आई हैव ट्राइड योर रेसिपी, दे वर रियली रियली ऑसम। क्या बनाया था बेटा? मैंने एक मटन रोग, आई गेस उसका कुछ नाम था, मुझे एक्चुअली शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मुझे नाम भूल रही है। आपने हीट पे वो सेवनियों की वो बनवाई थी बॉल्स, अच्छा डू यू रिमेम्बर? वो भी मैंने ट्राई की थी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, तो मैंने आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आपको अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। और बस अल्लाह ताला आपको इसी तरह जो है हमारे आँखों के सामने हमेशा रखे, आपको सेहत दे। और मैं आप मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू यू, मतलब मुझे आपके खाने बहुत अच्छे लगते हैं, नॉट इवन टू मी बट माय फैमिली टू। थैंक यू मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। इसको हम थोड़ा छोटा करके फिर लगाते हैं, ठीक है? ओके, आ जाइए, तेल गरम है, हम फ्राई करेंगे फ्रेश चीज के स्ट्रेट वाले फ्राइज। बेहतरीन चीज़ें हैं फ्रेश चीज की, ज़रूर लीजिए। अच्छा, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, ठीक है, मैं आ जाती हूँ बैटर बनाने। किस चीज़ का बैटर? चिकन फ्राई करने का। 4 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबल जीरा, 4 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून 1/4 टीस्पून लाल मिर्चें, सोया सॉस फ्रेश ट्री की 1 टेबलस्पून और सिरका 2 टेबल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं श्री आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं सादिया बात कर रही हूँ क्वेटा से, मैं आपके प्रोग्राम्स देखती भी हूँ, रेसिपीज भी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं, बर्फ पड़ रही है वहाँ? बर्फ तो नहीं है, साइड एरियाज में पड़ी है, सिटी में नहीं पड़ी। अच्छा, लेकिन ठंड बर्फ वाली है। उफ अल्लाह, आप आई हैं कभी क्वेटा? मैं आई हूँ, हाँ मैं आई हूँ, लेकिन इस बात को भी मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले आई हूँ, बिल्कुल आई हूँ। अच्छा, चलें इंशाल्लाह, जब आएँ तो आपसे ज़रूर मैं मुलाकात करूँगी इंशाल्लाह। ज़िंदगी बखैर बेटा। जी बिल्कुल, बाकी मेरी बच्चियाँ भी मेरे साथ आपका प्रोग्राम देखती हैं और आपको बहुत लाइक करती हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, खुश रहिए आप लोग सब। अच्छा देखें, मैं जल्दी से इसका रिकैप कर रही हूँ बैटर का। 4 टेबलस्पून मैदा ले लिया, उसमें 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर डाला, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, फ्रेश स्ट्रीट का वाइट विनेगर, फ्रेश स्ट्रीट का सोया सॉस 1 टेबलस्पून एंड लेमन जूस 1 टेबलस्पून। ठीक है, सब कुछ मैंने डाल दिया। बैटर थोड़ा सा हम पतला रखेंगे, थोड़ा सा, ये गाढ़ा है, पानी डाल दूंगी, इसमें अंडा वंडा कुछ भी नहीं। प्लीज़ आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी सिंपल और आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत है गोभी गोश्त में, और वो भी सिर्फ शुरू के 10 मिनट से 15 मिनट के, आपको उसको अच्छी तरह भूनना है बस। अच्छा बैटर देख लीजिए,
ये देखें, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर हो और ये मुर्गी के पीसेस में बैटर लगेगा और हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, चलें जी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब तक ये फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं मैं फ्राइज़ को निकालूंगी। फ्राइज़ को निकालने के बाद मैं एक पीस आपके लिए बचा लूंगी कि आपके सामने डिप करके इसमें डालूं, बाकी अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं फ्राई करती हूँ। ठीक है, स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें इनके फ्राइज, उफ टू डाई फॉर। ठीक क्रंची है, क्रिस्पी। ठीक है, मैंने एक लेग बचा लिया है, आपको डिप करके बताती हूँ। मैं फ्राइड चिकन इसलिए आजकल ज़रा एक आध सिखा रही हूँ हफ्ते में, कि रमज़ान शरीफ आ रहे हैं एंड यू नीड अ वैरायटी, तो इसलिए। ठीक है, गोभी गोश हो गया, टमाटर की चटनी हो गई, मद्रासी फ्राइड चिकन भी हो गई, उसका हमने प्लेटर रेडी कर दिया है। इसके फ्रेश स्ट्रीट के स्ट्रेट वाले फ्राइज़ लिए थे, क्रिंकल कट भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, तो आप कोई से भी ले लें जो आपको पसंद है। थोड़ी सी और करूँगी। ये बड़ी क्रिस्पी होगी, इसलिए ये क्रिस्पी होगी कि ना इसमें कोई अंडा है ना इसमें कोई बेकिंग पाउडर है। ये देखें, आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि चिकन कितनी क्रिस्पी है। अब आप लास्ट जो पीस रह गए वो आप देख लीजिए। आपने चिकन को उठाया, इस बैटर में आपने डिप किया। अच्छा, अगर आप फुल चिकन बना रहे हैं तो हर चीज़ डबल डालिएगा, लेवल डालिएगा बॉईल करते वक्त, और बैटर इतना ही बनाइएगा फुल चिकन के लिए। ये पूरी चिकन में बैटर काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शो पूरा हुआ चाहता है, अल्लाह का शुक्र।
नंबर 10 क्रिस्प है। ठीक है, और इस चिकन को आप सर्व करेंगे थाई स्वीट चिली सॉस के साथ। इसके साथ ये जो है हमारी थाई चिली सॉस स्वीट होती है, ये इसके साथ आप इस चिकन को सर्व करिएगा। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो था हमारा आज का शो। वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का, वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का। आज की कोई रेसिपी, हालांकि मेरे हिसाब से मैंने सही तरह आप लोगों को समझाई है, फिर भी अगर रह गई हो तो आप चल के अभी तीनों रेसिपीज़ का रिकैप देखिए, और शाम में 6:30 हमारा आज का शो रिपीट होगा, आप उस वक्त भी देख सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला 2-3 घंटे में मसाला मॉर्निंग्स के पेज पर भी रेसिपी आ जाएगी। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं इधर बैठे बैठे ये सोच रही हूँ कि अगर गरम गरम इस वक्त मुझे रोटी मिल जाए तो परफेक्ट लंच चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग बनाइएगा, ज़रूर बनाइए। आज शाम में डिनर पे बना दीजिए ये तीनों चीज़ें। वैसे गोभी गोश्त ज़्यादा अच्छा लंच पे लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये तीनों चीज़ें आपको कैसी लगें। साथ बनाइएगा तीनों चीज़ें, साथ बनाइएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह कल का भी मेन्यू बहुत अच्छा है। अभी मेरे ख्याल से पता नहीं पिछले हफ्ते किसी ने मुझसे फरमाइश की थी कि चाइनीज़ सिखा दें, तो इत्तेफाक की बात, देखें कभी कभी आप लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कैसी एकदम से अचानक से सुन लेता है। इस हफ्ते फ्राइडे वाले दिन पूरा चाइनीज़ मेन्यू है मेरे ख्याल से इसी हफ्ते है, तो आप ज़रूर देखिएगा जिसने भी कॉल करके कहा था कि चाइनीज़ सिखाएं, ठीक है। और कल पूरा कॉन्टिनेंटल मेन्यू है, कल मैं भी आपको एक ब्रेड सिखा रही हूँ, और मैक एंड चीज़, उफ़ अल्लाह वो इतनी मज़े की बनती है बच्चों की, बच्चे दीवाने हो जाएंगे, विद अ ट्विस्ट है, बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। वो है मैक एंड चीज़ है, ब्रेड है, एंड देयर समथिंग एल्स टू गो विद इट। तो कल का शो भी मिस नहीं कीजिएगा इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, सेहत दी, ज़िंदगी रही, तो कल आपसे 11 बजे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो फिर आपको बता रही हूँ, आज का शो शाम 6:30 रिपीट होता है, कल सुबह 7:30 रिपीट होगा, और रात में भी 2 बजे रिपीट होता है। वो उन लोगों के लिए रिपीट होता है जो अमेरिका कनाडा में लोग रहते हैं, वो टाइम उनको ज़्यादा सूट करता होगा, तो उस टाइम के लिए रिपीट होता है। तो जब आपको चांस मिले, जब मौका मिले, तो ज़रूर शो देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, बेहद शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए आप तमाम लोग। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी बखैर, कल मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।